पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। साई, हम थोड़ा पास जाकर सूखी लकड़ियां ढूंढ लाते हैं होलिका दहन के लिए। ठीक। भाव, दो बड़े नारियल दो ना। बेटा, ये बड़ा नारियल मत लो, ये छोटे नारियल में पानी भी ज्यादा होता है और मीठा भी होता है। कोशिश करो यही ले लो। ऐसा थोड़ी ना होता है काका, जो बड़ा होगा पानी तो उसमें ही ज्यादा होगा ना। दो नारियल। राम साई। राम जी भला करे। तुमने बिल्कुल सही सलाह दी देवा, लेकिन तुमने जोर देकर ये क्यों नहीं कहा कि वो बड़ा नहीं छोटा नारियल ले ले? साई, वो सुनने को तैयार नहीं था। बार बार मैं कहता तो वो चिढ़ जाता। अब वो अपने अनुभव से सीखेगा। इतना ज्ञान है तो इस ज्ञान का उपयोग अपने बेटे सोनू और मोनू पर क्यों नहीं करते हो? साई, मैं समझा नहीं। साईं, वो आपको बहुत मानते हैं। अगर आप पिताजी से कहे के मुझे दुकान दिलवा दें और उनसे कहिए कि मोनू दादा की नौकरी लगवा दें, हम दोनों ही खुशी से रह पाएंगे। मैंने उनकी बात नहीं मानी तो आप तक पहुंच गए। लेकिन साईं, मैं बाप हूं इन दोनों का और उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। उनका स्वभाव, उनकी कमियां, उनकी खूबियां, सब सोच समझकर ही उन्हें ये काम सौंपे हैं मैंने। वो ये बात नहीं समझते हैं। साई, आप तो सब कुछ समझते हैं, क्या मैं गलत हूं? देवा, तुम सही हो या गलत ये महत्वपूर्ण नहीं है, अगर तुम अपना कारण उन्हें ना समझा सको। सब करके देख लिया, अब उन दोनों को समझाऊं भी तो कैसे? मेरे कहने पर एक काम करोगे देवा? जरूर साई। एक बार उनके मन की कर लो, जो वो चाहते हैं वो करके देखो। उससे क्या होगा साईं? देवा, तुम्हें लगता है तुम सही, उन्हें लगता है वो सही है, लेकिन सही कौन है इसका फैसला इस काम को करने से हो जाएगा। अगर वो सही है तो तुम समझ जाओगे, और अगर तुम सही हो तो उन्हें समझ आ जाएगा। साईं, आपने मुझे कभी गलत सलाह नहीं दी, इसलिए मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। मैं आज ही मोनू को दुकान पे बिठा दूंगा और सोनू की नौकरी लगवा दूंगा। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।